ऑल राइट गाइस, वेलकम टू द स्टमक ड्रोन गेमिंग चैनल, जहाँ पर हम लोग स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग रिलेटेड वीडियोस डालते हैं एंड स्ट्रीम भी डेली करते हैं। तो डू चेकआउट माई चैनल एंड अच्छा लगे तो कंसिडर सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, शेयर करो क्योंकि शेयर से ही जितना पुश मिलता है वीडियो को वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है शेयर करना। तो जो भी है, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक थंबनेल यूजिंग ओबीएस स्टूडियो। ये शायद कोई बनाया नहीं इस टॉपिक में एंड बहुत जनों के पास फोटोशॉप का आइडिया भी नहीं है। फोटोशॉप थोड़ा एडवांस है, ये लाइक एकदम बेसिक सा है, एकदम बेसिक सा, तो कोई भी बना सकता है। जो लोग ओबीएस, जो स्ट्रीमर लोग ओबीएस स्टूडियो यूज़ करता है या ओबीएस यूज़ करता है, सेम ही है, ओबीएस और ओबीएस स्टूडियो जो भी है ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं दिखाता हूँ, विन डिस्प्ले कैप्चर पर चलते हैं। तो ये हम लोग डिस्प्ले कैप्चर में आ चुके हैं एंड करना क्या है कि यहाँ से एक इमेज ऐड करना है, इमेज। एंड मैंने बहुत सारा करके रखा तो नहीं कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। यहाँ पे जाना है, ब्राउज़ करना है बस, करके तुम्हारा जो बैकग्राउंड का जो इमेज होगा वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरे पास अभी है, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि है ये वाला मेरे पास तो दिख रहा है। तो मैं ये बैकग्राउंड इमेज को मैं लास्ट में शो करूँगा, पहले मैं डिस्प्ले कैप्चर ऑन करके पूरा दिखा रहा हूँ, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो ये हो गया अपना मेन बैकग्राउंड इमेज, तो इसको मैंने अभी बंद कर दिया यहाँ से आई बटन से। तो अभी मैं जैसा थंबनेल बनाने का सोच रहा हूँ, ये होगा कि मेन जो तुम्हारा वेबकैम होगा वो उसके ऊपर चलेगा एंड एक बॉर्डर होगा जो बहुत जन अभी कर रहा है ऐसा टाइप का, तो वो बहुत बेसिक सा ही होता है। यहाँ पे और भी एडवांस कर सकते हो, एडवांस का मैं फोटोशॉप वाला ट्यूटोरियल इसके वाला नेक्स्ट वाला बनाऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। तो आई थिंक हाँ अभी थोड़ा सही है। तो यहाँ से जाना है, फिर से जाके इमेज में जाना है, जाके मैंने यहाँ पे करके रखा है क्या, शायद नहीं करके रखा, तो इमेज में जाना है फिर से। ओके, एंड यहाँ से मेरे को एक बॉर्डर लेना है जो मैंने वेबकैम बॉर्डर सेट किया है, एंड वो वेबकैम बॉर्डर को लेके मैं सेट करूँगा अपने फेस कैम के ऊपर, इस तरह से करूँगा। यस, ये ऐसा निकल रहा है जो भी है। तो ये शिफ्ट से, ओके शिफ्ट पकड़ के वो हो जाएगा, शिफ्ट पकड़ के उसको साइड एडजस्ट कर पाओगे। तो ऐसे एक वेबकैम डाला मैंने, मतलब कवर्ड बॉर्डर डाला वेबकैम के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो ये बॉर्डर डाल दिया। तो अभी मैं अगर वेब बैकग्राउंड ऑन करूँ तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ लिखना होगा कि ये लाइव, वो लाइव, वैलोरेंट लाइव, पबजी पीसी लाइव, तो कुछ लाइव लिखना होगा ऐसा टाइप का। एंड ये हो गया हमला बेसिक, एक फेस एंड एक बैकग्राउंड पिक्चर। अभी इस पे मैं बैकग्राउंड पिक्चर बंद कर रहा हूँ, इस पे हम लोग को टेक्स्ट लिखना है जो मेन है। टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट का क्रिएट न्यू टेक्स्ट करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ ऐसे, एक वैलोरेंट लाइव या पबजी पीसी लाइव, ये तो पबजी पीसी का है, तो लिखता हूँ पबजी पीसी लाइव, ठीक है, पबजी पीसी, पहले लिखता हूँ पबजी पीसी, नहीं तो पबजी लाइव लिख सकता हूँ मैं, तो पबजी पी सी, ये ठीक है। अभी तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना होगा हम लोग को, सिलेक्ट फॉन्ट जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, लेमन मिल्क बोल के एक फॉन्ट है, बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जाके साइज़ डालना है, साइज़ ऑलमोस्ट हाईलाइट होगा ना, तो इसको बड़ा करना है, 150 कर देता हूँ मैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन नीचे है, ओके ओके। तो ये हो गया हम लोगों का बैकग्राउंड, अभी मतलब लिखने का वो हो गया। इसको कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, कलर मतलब दो कलर मिक्स रहेगा, ऐसा मिक्स कलर होगा,
तो वैसा टाइप का भी कर सकते हैं, तो मैं देखता हूँ। मैंने एक्चुअली ट्राई नहीं किया ये अभी तक, पहली बार कर रहा हूँ मैं। कुछ भी कलर ले सकते हैं, ग्रीन, आई थिंक ग्रीन नहीं जाएगा, ग्रीन बैकग्राउंड है तो कुछ ऑरेंज रेडियंट रेड येलो, येलो कलर भी जा सकता है। ओके, जैसे कि ओके दो कलर हो गए यहाँ पे, जैसे कि ऊपर में वाइट आ रहा है तो दो कलर सेट करना होगा। सिलेक्ट कलर में गया, इधर जाके कुछ ब्लू भी डाल सकते हो। आई थिंक या नॉट बैड, नॉट गुड, ऑल जो भी है। नीचे है येलो, तो हम लोगों को कुछ ऑरेंज टाइप का मैं सोच रहा हूँ, कुछ ऑरेंज ही। ठीक, ऐसा कलर आता है, ऑरेंज से नहीं होगा, रेड येलो, रेड रेड से ही जाएगा क्या? ठीक, सही जा रहा है ऑप्टिकली। ओके, अगर मैं इसको ऑपोसिटी को, ऑपोसिट को अगर मैं कम करूँ तो ये रेड कलर कम हो रहा है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको। थोड़ा येलो को, मेरे को ब्राइट येलो चाहिए, थोड़ा ब्राइट येलो। गाइस एकदम मैं रैंडम कर रहा हूँ, कुछ भी मैं सोच समझ के नहीं कर रहा, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा कैसा क्या होना चाहिए। एंड ओके, ग्रेडियंट ग्रेडियंट का वो भी कर सकते हो, कलर भी ऐसे ऐसे मूव करा सकते हो। ग्रेडियंट का ऑपेसिटी, ये तो ऑपेसिटी हो गया। तो थोड़ा मैं पबजी को रेडियस करना चाहता हूँ, ये रेड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, रेड हो गया, रेड हो गया, पबजी लाइव ठीक है। तो और क्या है, बैकग्राउंड ऑपेसिटी, ओके बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। बैकग्राउंड नहीं चाहिए अभी तो, आउटलाइन, 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 आउटलाइन इम्पोर्टेंट होगा। ब्लैक कलर ठीक है, जैसे कि हाँ ये हम लोग एक बेसिक सा पबजी लाइव लिखा है, इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं आराम से, बहुत ही बेसिक सा है। जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पबजी लाइव। अभी बैकग्राउंड को मैं ऑन कर रहा हूँ, फोर गेस, इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। पबजी लाइव, जैसे लिमिटेशन है ना, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसका पीछे डालने से अच्छा लगेगा, वो सब तो इम्पॉसिबल, मतलब अभी तो पॉसिबल होगा लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा वो, फोटोशॉप उसमें मैं बना दूंगा। जैसे कि ऐसे डाल सकते हो पबजी लाइव, जस्ट सिंपल मैं दिखाया, एकदम बेसिक 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 है, बेसिक बेसिक लेवल। अभी इसके ऊपर भी तुम लोग थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, लाइक शेडोज वेडोज डाल सकते हो क्या? ऐसे कुछ कर सकते हो अगर चाहिए तो, क्योंकि शेडोज शायद नहीं है यहाँ पे, शेडोज शेडोज तो बट बैकग्राउंड ऑपोसिटी, थोड़ा बैकग्राउंड ऑपोसिटी डाल सकते हो। ये तो और भी एक चीज़ कर सकते हो जो तो मेरे दिमाग में आया अभी, जैसे कि स्पेस 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 स्पेस, ओके इधर भी डाला, स्पेस 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 स्पेस, ओके किया, इसको लेके ऐसा कर दिया पूरा, और लेफ्ट राइट स्पेस डालना होगा। एक स्पेस इधर, एक स्पेस इधर, हो गया। तो ये उतना भी बुरा नहीं लग रहा, इट्स लुकिंग ओके ओके। थोड़ा सेंटर किया इसको, थोड़ा सा सेंटर, ठीक है ना, सही लग रहा है। तो ये किया, एंड अपना जो फेस कैम है, फेस कैम को पकड़ा, वेब कैम ब्लर, और रुक जाओ तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। हाँ तो ये मेरा बॉर्डर है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया करके कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया करके, लाइक ऐसा पोजीशन पे लिया,
अच्छा पोजीशन पे लिया, लेके अभी मैं बैकग्राउंड को ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया करके लाइक ऐसा कुछ पोज दे सकते हो। देने के बाद जस्ट करना क्या होगा, राइट क्लिक करो, ये मेन चीज़ है। मैं बैकग्राउंड बंद कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है करके ये करना है स्क्रीनशॉट प्रीव्यू। ये जो हम लोग बनाया है उसका बस स्क्रीनशॉट लेना है, दैट्स इट। 10 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया, फक। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं बैकग्राउंड ऑन कर रहा हूँ अभी। बैकग्राउंड ऑन कर दिया एंड कुछ भी पोज देना हो, कुछ ऐसा कुछ भी, जैसे कि बाल बाल सेट कर लो एंड कुछ ऐसा टाइप का, या ऐसा टाइप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो करके ऐसे वेबकैम की तरफ देख के इट्स राइट क्लिक एंड सेव स्क्रीनशॉट प्रीव्यू, ये वाला ऑप्शन ऐसे करके बन गया थंबनेल बेसिक। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसा सेव होता है, क्वालिटी भी दिखा रहा हूँ मैं। तो जैसे कि ये बैकग्राउंड को हटाता हूँ, यस। ये तो सभी सब कुछ बंद करना होगा, नहीं तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। इसको बंद करूँ, हाँ दैट्स इट। तो अभी मैं मेरा उसमें दिखा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, वीडियोस, जहाँ पे वीडियो तुम लोग का रिकॉर्डिंग सेव होता है ओबीएस का, वहाँ पे ही सेव होगा। जैसे कि ये सेव हो गया, ये तो ये हाँ बस वेबकैम का मेरा क्वालिटी थोड़ा वो है, अदरवाइज सही है क्वालिटी। और इसको मैं साइज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो तुम लोग 3 MB का साइज़ है, तो डिग्रेड तो उतना नहीं हुआ क्वालिटी, जितना भी काम चल जाएगा इसका, काम चल जाएगा। एंड वेबकैम का जो नॉइज़ आया वो नॉइज़ मेरा वेबकैम में ही है, इसीलिए नॉइज़ आया। बाकी बाकी अगर देखा जाए ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। और यूट्यूब में इतना छोटा सा दिखता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये वीडियो इतना तक ही है, तो कमेंट करके बता नहीं कैसा लगा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, मैं मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।